सो हेलो गाइज, स्वागत है आपका आज की एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ सेंसिटिविटी वीडियोस वगैरह। तो गाइज देखो, सेंसिटिविटी वीडियो का लाने का एक ही रीज़न है कि काफ़ी सारे बंदे मेरे से पूछ रहे थे भाई अपना सेंसिटिविटी दो क्योंकि आपके स्प्रेज अच्छे जाते हैं। तो गाइज देखो, स्प्रेज वगैरह अच्छे जाने के पीछे सेंसिटिविटी का प्रॉपर पूरी तरीके से हाथ सेंसिटिविटी का नहीं होता। तो एक स्प्रे, एक बैटर स्प्रे कह सकते हो, मतलब एक बैटर स्प्रे के लिए क्या सबसे मेन चीज़ होती है, तो उसके लिए गाइस सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना कंट्रोल कोड देने वाला हूँ, बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग्स मैं आपको बताऊँगा, एंड आप ये भी बताऊँगा कि आप खुद की सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज उससे पहले मैं आपके लिए कुछ स्प्रेज दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, तो वो स्प्रेज आप देख लो एंड उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो गाइज देखो बात करते हैं सेंसिटिविटी की। तो सेंसिटिविटी होती क्या है, तो पहले आप ये चीज़ जान लो। देखो गाइज, मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ कि सेंसिटिविटी किसे कहते हैं। तो देखो, आपका जो हाथ है, ठीक है, आपकी जो मसल मेमोरी है उस तक इंफॉर्मेशन पहुँचाता है आपकी सेंसिटिविटी, मतलब इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है इन दोनों के बीच में कि आप अपने डिवाइस को इतना घुमाओगे तो आपका स्कोप इतनी दूर तक ही जाएगा, तो वो एक मेजरमेंट होता है। ठीक है, उसे सेंसिटिविटी कहते हैं। ये मैंने आपको अपने भाषा में समझाया है। तो मेन रोल ये नहीं होता कि सेंसिटिविटी आपकी अच्छी है, मतलब अगर आप प्रो प्लेयर्स की सेंसिटिविटी कॉपी कर लोगे तो आप भी प्रो प्लेयर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है गाइस। देखो हाँ, कई कई जगह पे ऐसा होता है कि आपके हाथ में सेंसिटिविटी सेट हो जाती है उन बंदों के, तो वहाँ पर आपके स्प्रेज अच्छे जाने लगते हैं, बट वो सेंसिटिविटी का मेन रोल नहीं होता। मेन रोल होता है आपकी मसल मेमोरी का। ठीक है, अगर आप एक स्प्रे कंट्रोल करना चाह रहे हो तो उसमें सारा मेन रोल किसका होता है, वो मेन रोल होता है आपके मसल मेमोरी का। ठीक है, अगर आपकी मसल मेमोरी अच्छी होगी, मतलब मान के चलो कि आपकी मसल मेमोरी को काफ़ी अंदाजा है आपकी सेंसिटिविटी, मतलब आपने एक सेंसिटिविटी पे मान लो 6 से 7 महीने से खेल रहे हो, ठीक है, तो आपकी मसल मेमोरी को अंदाजा हो गया कि अगर आप अपना फ़ोन इतना टिल्ट करोगे तो आपका स्कोप इस जगह जाएगा, तो यही काम होता है। देखो, मेन चीज़ होता है आपके मसल मेमोरी में आपकी सेंसिटिविटी को सेट करना। ठीक है, एंड वो कैसे करना है तो वही चीज़ बताने वाला होगा। देखो, तो एक मसल मेमोरी में गाइज अपनी सेंसिटिविटी सेट करना हो तो क्या करना है, उसके लिए गाइज आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ठीक है, एंड देखो गाइज, ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरे सेंसिटिविटी कॉपी करोगे तो आप अच्छे खासे स्प्रेज मारने लग जाओगे। क्यों, मैं स्प्रेज क्यों अच्छे मारता हूँ, क्योंकि गाइज मैं इसी एक सिंगल सेंसिटिविटी पे 3 साल से खेल रहा हूँ। ठीक है, 3 साल कह सकते हो, इतने सालों से खेल रहा हूँ तो मेरे को अंदाजा हो चुका है कि मैं अपने फ़ोन को कितना टिल्ट करूँगा तो कितना ज़्यादा होगा, तो वही मेन चीज़ होता है गाइस। देखो, मैं वीडियो का लंबा नहीं खींचने वाला फालतू की बकवास कर करके, आपको एकदम इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। तो गाइस देखो, मैं आपको 3 चीज़ बताऊँगा जो आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने गेम प्ले में तो आपके स्प्रेस काफ़ी तगड़े हो जाएंगे। पहली चीज़, एक प्रॉपर सेंसिटिविटी बनाओ। प्रॉपर सेंसिटिविटी कैसे बनाते हैं, देखो गाइज, अगर आपको मेरी सेंसिटिविटी ले रहे हो, चलो ठीक है, आप मेरी सेंसिटिविटी कॉपी कर लो क्योंकि ये सेंसिटिविटी पे जो मैं खेल रहा हूँ ना, ये सेंसिटिविटी भी एंड्रॉइड की सेंसिटिविटी है, तो अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आप मेरी सेंसिटिविटी कॉपी कर सकते हो। वैसे ये मेरी सेंसिटिविटी आईफोन में भी काम करती है, एंड्रॉइड में भी, मैंने सब में खेल के देखा है इसी सेंसिटिविटी पे, तो आप कॉपी कर सकते हो। एंड गाइस, इसके ऊपर सेकंड चीज़ आती है कि आपको अपने मसल मेमोरी को इसके साथ, मतलब आपको मैच करना पड़ेगा, आपके मसल मेमोरी में इस सेंसिटिविटी को सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए गाइस आपको प्रैक्टिस करने हैं। एंड कितने देर करना है प्रैक्टिस, तो गाइस देखो, डेली के सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट इनफ है गाइस। कुछ ड्रिल्स कर सकते हो आप 15 मिनट के लिए, एंड उसके बाद ही गेम में जाओ। ठीक है, तो इस सेंसिटिविटी को गाइस आप डेली के डेली 15 मिनट करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 6 से 7 दिन के अंदर आपको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, एंड काफ़ी सारे बंदे मेरे से पूछते हैं कि भाई स्प्रेज अच्छे नहीं जा रहे, हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो स्प्रे अगर हम, मतलब फ़ोन को जितना भी घुमा ले, हमारा रिकॉइल नहीं कंट्रोल होता। तो गाइस देखो, अगर आपका रिकॉइल नहीं कंट्रोल होता, अगर मान के चलो आप फ़ोन टिल्ट कर रहे हो फिर भी आपका स्कोप ऊपर जा रहा है, तो सेंसिटिविटी को आपको उस वाले स्कोप की, उस सिंगल स्कोप की सेंसिटिविटी आपको थोड़ी सी बढ़ानी है। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि अगर आप फ़ोन को कम टिल्ट मारोगे ना तब भी ज़्यादा नीचे जाएगा, तो वहाँ पर आपका जो सेंसिटिविटी है वो सेट हो जाएगा। एंड गाइस, बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर मारना। ठीक है,
तो वो चीज़ हो गया आपका कि सेंसिटिविटी आपको सेट कैसे करना है। एंड आप मान लो बाई चांस आप स्प्रे ले रहे हो एंड आपका हल्का सा फ़ोन नीचे करते हो एंड बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है स्कोप, तो उसमें उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको सेंसिटिविटी को थोड़ी सी कम करनी है। तो ऐसे गाइस सेंसिटिविटी को आप मेंटेन कर सकते हो, बढ़ा कम कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझ लो अगर आपका स्कोप ज़्यादा हल्का सा भी डिवाइस नीचे करने पे बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, उस केस में आपको कम करनी है सेंसिटिविटी। एंड अगर मान के चलो आप टिल्ट करे जा रहे हो, मतलब नीचे की साइड घुमाए जा रहे हो बट मतलब करे जा रहे हो, फिर भी आपका स्कोप ऊपर जाए जा रहा है, तो उस बीच में आपको करना है सेंसिटिविटी को हाई। एंड गाइज ये है मेरी सेंसिटिविटी, ठीक है। एंड आप कॉपी कर सकते हो, मैं आपको कंट्रोल कोड भी दे दूंगा इसी वीडियो में, आप सेंसिटिविटी कॉपी कर सकते हो। ADS मैं जीरो रखता हूँ, मैं फुल जायरो प्लेयर हूँ गाइज। एंड ADS वो स्कोप, मतलब जैसे आप फायर कर रहे हो तो उस टाइम का ADS है, ठीक है। काफ़ी बंदों को ADS का पता नहीं होता, तो मैं बता दे रहा हूँ, जब आप फायर कर रहे हो तो वो ADS मैंने जीरो कर रखा है, ठीक है। तो फायर करते टाइम मेरा ADS काम नहीं करता, और वैसे ADS काम करता है। तो ये मेरी सेंसिटिविटी है गाइज, आप इसको कॉपी कर लो। एंड गाइज ग्राइंड करना चालू कर दो ट्रेनिंग ग्राउंड में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ रिजल्ट काफ़ी तगड़े निकल के आने वाले हैं, ठीक है। एंड गाइज ये है मेरा कंट्रोल कोड, आप कॉपी कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। मैंने सेंसिटिविटी एंड कंट्रोल कोड इसलिए दिखाया है क्योंकि कंट्रोल कोड कभी कभी डिलीट भी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना तो गाइज एक थम्स अप दे देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।